जी हम वापस चल दिए हैं, ये हमारा रैंप है और हम जा रहे हैं पैदल पैदल। दरअसल पैदल जाने का एक रीज़न पक्का ही है क्योंकि ये हमारे हरदीप जी की एक्सरसाइज होती है इस टाइम ना। ये क्या है देखो, जितना वर्कआउट करना है वो इस टाइम कर लेते हैं, तो ये सारा दिन कुछ नहीं करते, वर्कआउट सारा दिन नहीं होता, बस ये इस टाइम इनका वर्कआउट हो रहा है। ये 1.5 किलोमीटर की सैर है इनकी जी, 1.5 किलोमीटर की सैर मार लेंगे, मतलब ये चढ़ाई है पूरी इनकी ना। तो चले नीचे, नीचे चल के मिलते हैं आपसे गाड़ी के पास। हम पहुंच गए हैं पार्किंग में, नीचे उतर गए। अभी हरदीप जो है अपनी गाड़ी लेके आ रहा है उधर से सामने से, और यहाँ थोड़ी देर खड़ना पड़ेगा क्योंकि अजय जो है अपनी गाड़ी लेके नहीं आया क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों नहीं लेके आया। और वो हरदीप के साथ जाएगा और हमें एक छोटी सी पार्टी भी है हमारी, उसमें जाना हमने सबने इकट्ठे होके ना, जितने अपने दोस्त हैं साथ में, तो पार्टी में भी चलते हैं। थोड़ा अगर कुछ ब्लॉग बनाया तो आपको दिखाएंगे हमने क्या बनाया, क्या मिलाया, क्या खाया, सब कुछ। तो पार्टी जो है इस बार आज जो है वो हरदीप की तरफ से ऑर्गेनाइज है, वो क्यों है वो हम आगे आपको बता देंगे। तो आ रहा है हरदीप, जरा मिलते हैं उससे। आ गया है गोयल साहब, जिनकी वेट हम कर रहे थे, पता नहीं किस काम के लिए गए हुए थे साला, हमें तो समझ भी नहीं आता क्या क्या करने गए थे भैया। क्या आ गई थी, PGCL की कॉल थी या कोई और नेचर कॉल आ गई थी? हमें लगा कहीं नेचर कॉल आ गई। नहीं वो साले होने अच्छा, तो हम चले हैं सारे पार्टी में आज। एक वो पार्टी जो ऑर्गेनाइज की गई है आज, की गई है हमारे हरदीप सिंह की तरफ से। तो जी किस वजह से है पार्टी? कारण ये पार्टी है जूनियर हरदीप के आने की, हरदीप थर्ड आने की खुशी में, थर्ड गाने की खुशी में। तो गोयल साहब ने भी दी थी पार्टी, और अब धीरे धीरे ऐसे ही हमारा चलता ही रहता है, कभी कोई पार्टी देता है कभी कोई पार्टी देता है। तो आज जो है देखो मुंह लटका हम खड़े इसलिए क्योंकि भाई ये देखो डीजल गाड़ी है, हम दोनों के पास गाड़ी गर्म हो रही है, गाड़ी गर्म हो रही है। और कुछ गोयल साहब भी गर्म नहीं थे, ठंडे हो रखे थे, तो गोयल साहब गर्म होके आए ऊपर से ताजा एकदम। हमें तो कुछ शक हो रहा था, मैं कह ये गोयल साहब गर्म पानी पी के गए कहाँ। चलो चलते हैं पार्टी में, मिलते हैं आपसे। तो जी ये बाबा हरदीप सिंह जी हैं, ऑटो चला रहे हैं, टुक-टुक चला रहे हैं। देखो जी आज चलो रेस दो रेस। तो ऑटो में दिखाता हूँ, थोड़ा दूर होता हूँ, पता लग जाएगा। देखो देखो कहाँ बैठे हैं, दिख ही गया होगा आपको। ये रथ चलाते हुए कैसा लग रहा है आपको, फील हो रहा है मतलब? बस एक बार चाबी मिल जाए फिर तो अच्छा फील होएगा, अभी तो चाबी नहीं है। चाबी दिला देना, वो बंदा कह रहा है चल आप चाबी ले आऊं, वो तो दूसरे अपनी खुद स्कूटी पे है। अच्छा सही बताओ, ये देखो बाबा हरदीप सिंह जी की नई गड्डी, नवी नवी चमचमाती हुई एकदम, बिल्कुल इलेक्ट्रिक है। रेस है, ब्रेक नहीं है। हाँ ब्रेक है, ब्रेक लाओ। अगले वाला ही है ब्रेक, पिछले वाला ब्रेक रुक गया ना। ओ भाई साहब बड़े हरामी हो बेटा। तो जी हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में और हम बैठे हैं डिनर की वेट कर रहे हैं। देखो डिनर की वेट चल रही है। क्या क्या ऑर्डर किया आपने आज? हमने किया है गार्लिक नान, बटर नान, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी और ये जो है ये हमेशा पैसे की बात करता है और पैसे की ही बात करता है। कभी कभी सिप ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं। देखो ये शख्स बंदा जो है पैसे जहाँ जाएगा वहीं पैसे करता रहता है। देख लो, देखो जी ये शख्स है, ये हमेशा देखो यहाँ पे भी आए तो जी हमें भी ट्रेड करनी है, मतलब बंदा देखो। अब किसी ने काम तो काम देखो, देखो ये बंदे ने बेचारे ने पार्टी दी, इतने भोली शक्ल देखो, दो मिनट, ये भोली शक्ल है और ये शातिर आदमी अभी भी वेट कर रहे हैं। शातिर हो सकता है वो बंदा 5% डिस्काउंट दे रहा था, मैंने कहा बैठो 10% तो मेडिसिन वाले भी देते हैं 10.5% दे। फिर क्या हुआ, मानना कैसे नहीं, इसीलिए इसी चीज की तो गोल साहब तारीफ करते हैं, गाली पैसा ही पैसा हो गया। हाँ वो कह रहा था कि 5% डिस्काउंट हो जाएगा सर अगर 1000 रुपये से ऊपर दिया। मैं कह रही हूँ 5% नहीं 10% तो मेडिसिन वाले भी देते हैं,
कि 10% तो मिनिमम होना चाहिए, वो कहते हैं कोई नहीं आप बैठो आप टेबल पे कोई नहीं कर लेंगे, मतलब 10% मिनिमम तो होना चाहिए। साहब यही तो तारीफ है आपकी, हर जगह आप डिस्काउंट ले लेते हो, हमारे बस का नहीं है काम। ये चीज़ है पता क्या, इसने पिछली बार बोला था कि पहले बता देना डिस्काउंट हो जाएगा। अच्छा, इस बार नहीं देगा तो फिर हम बिल नहीं देंगे, सीधी सी बात। दैट्स ऑल है, बढ़िया बस। चलो तो जी, ये थे गोयल साहब। गोयल साहब जो है ये स्टैंड लेते हैं, मतलब इनका इतना बढ़िया है भाई साहब, हर जगह डिस्काउंट करा देते हैं, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। सर जी ये इतना हमारे से कमाते हैं, हम डिस्काउंट क्यों ना दे। ये बात देखो, ये बात सही है वैसे, आप भी वैसे ट्राई कर सकते हो इन चीज़ों को, क्योंकि ये जो बात बताइए ना तो होता ही है हर जगह। और एक बंदा ये देखो आप बैठती है, मतलब ये देखो कहाँ लग जाता है, बंद कर दिया इसने, खतरनाक आदमी है। इसको कोई मतलब नहीं है डिस्काउंट से, इसको पता है गोयल साहब आए हैं तो कर लेंगे। नहीं इसको नहीं पता, हमें सबको पता है डिस्काउंट का महकमा और एंड वाला मतलब जो पैसे का महकमा है वो इन्हें दे रहा है। नहीं 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 नहीं, हमने जो एंडिंग रखी है वो गोयल साहब की तरफ से रखी है, मैंने उधर से भी ले लिया है, उधर से भी। हमारे घर में संस्कार है कि पैसे की बात बड़े ही करेंगे बुजुर्ग आदमी, बात तो सही है, इसलिए बड़े बुजुर्ग करेंगे पैसे नहीं, हम हमारे से होती भी नहीं, इसलिए आपने बड़े बुजुर्गों को कह दिया पैसे का आप ले लेना आप। वो ठीक है, बिल्कुल। तो ये आ गया हमारे खाने की प्लेटें आ गई है, गार्लिक नान आने मंगाए हैं, गार्लिक दाल। अच्छा देख, नहीं नहीं एक एक बात और देखो ना, सारी चीज़ हमने अपनी पसंद की मंगाई है, देख लो भैया, मतलब हर चीज तो अपनी पसंद की मंगाई यार। कहाँ मंगाई मैंने, तुम लोगों की थोड़ी अपनी पसंद की मंगाई है, तुम लोगों की थोड़ी अपनी पसंद की मंगाई है। किसकी? तुम लोगों की। मैंने तो अपनी पसंद है, मुझे ये मतलब कुछ करा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं एनिवर्सरी के गिफ्ट का तैयारी शुरू कर दी है और कुछ लेके आया। हाँ जी, हाँ जी, एनिवर्सरी है तो कुछ स्पेशल करना चाहिए। हाँ अभी जस्ट लिटिल बिट है, हाँ लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा प्लान मतलब धूमधाम से बना लीजिए, मतलब मतलब लगना चाहिए कि हाँ कुछ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक साल और अच्छा बिता है हम दोनों के बीच में और सेलिब्रेट करना चाहिए, हम भी चाहते हैं सालों साल तुम्हारी दोनों की बॉन्डिंग बनी रहे, बहुत अच्छी तरीके। थैंक यू थैंक यू। बाकी पार्टी तो हम लेंगे एनिवर्सरी की, हाँ बिल्कुल जी, वो लेंगे हम बाद में। तो जी खाना आ गया हमारा, दिखाते हैं। तो जी हमारा खाना आ चुका है और ये दाल मखनी है, ये बटर नान है और ये चीज़ें, ये कढ़ाई पनीर, प्लेटें लग चुकी है हमारी सब्जी। ये देखो गोयल साहब की प्लेट लग चुकी है, गोयल साहब ये इनका आज गला खराब है। हाँ तो जी चलो खाना शुरू करते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसा था। ये है गुरु नानक, जगह का क्या नाम है, गुरु नानक स्वीट, गुरु नानक स्वीट सेक्टर 21 चंडीगढ़। आओ तो यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है, हम जब भी पार्टी करते हैं तो हम ये बैठते हैं हर बार। ये बंदा जो है हमें धमकी दे रहा है, जो कह रहा है सुबह देख लूंगा तो मैं सबको एक एक को देख लूंगा, आवाज जोड़ रहा है बंदा, धमकी है भाई साहब खुले आम धमकी दे रहा है। बाबे तेरे को भी दी गई धमकी, तेरे को नहीं मुझे दी है, पहले इन्हें देख के फिर तुझे एंड में देखूंगा। इसको थोड़ी दी है, दी है देखो, मतलब बंदा मतलब कमाल है जी, धमकी दे देंगे दे दे के इनके अंदर चीज गई हुई है ना, ये दलेर बना देती है बंदे को। हाँ मतलब ये इतने से बंदे को इतना बड़ा बना देती है ये शेर खान कमाल है वैसे है। बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई, क्या चीज बनाई है। खाना देखो, हमारा खाना फिनिश हो गया और गार्लिक नान की वेट हो रही है, गार्लिक नान की वेट हो रही है। गोयल साहब ने खानी है अलग से गार्लिक नान, बाकी सब निपट चुके हैं, ये भाई साहब भी निपट चुके हैं। हाँ भाई ठीक रहा ना, ये आ गई हमारी गार्लिक नान। ये तुम्हारी है दोनों की, हमने हमने सबने खा ली, हमने नहीं खाली, ये तुम दोनों की है भाई। नहीं तुम दोगे गार्लिक नान।
तो जी फाइनल डिश आ गई है देखो हमारी सब्जी। मैंने गुलाब जामुन मंगाए हैं, सुखी ने भी गुलाब जामुन मंगाए हैं, ये भाई साहब केसर रस मलाई, गोयल साहब की ये है मूंग दाल का तड़का, ये है मूंग दाल के हलवे वाला, ये शख्स है मूंग दाल का हलवे वाला, ये देखो इधर से इस शख्स को देखो, देखो जी ये बंदा जो है 20 रुपए मांग के ले जा रहा है, केड़े 20 रुपए ऐ दिखाइए कांटे पर्स ले कटिए तो पर्स मेरा पर्स। तो जी ये थी आज की हमारी पार्टी, और मैंने आज एक मतलब क्या कहते हैं राह चलते की हेल्प कर दिया 20 रुपए देके ताकि वो अपनी घर तक आराम से पहुंच जाए, ये शख्स वो ये भगवान भगवान मेरी हेल्प को मतलब तरक्की दे। तो जी ये था काल्पनिक बातों पे ध्यान मत दो और सच्चाई पे विश्वास रखो। सच्चाई क्या है भगवान पर सच्चाई है, किस किस से पूछे सच्चाई है बताओ, सच्चाई यही है कि सारे अपने आप में सक्षम है। और सक्षम सारे नहीं, एक तो है बाकी का पता नहीं बाकी तो सक्षम है ये। वैसे तो ये हमारी मतलब खुश नसीबी है कि भगवान ने खुद हमसे साथ रखा है, खुद हमसे पैसे मांगे हैं 20 रुपए, याद था ये किस चीज के लिए मांगे हो। हाँ ये बात हुई, ये पैसों के देवता है क्या तो भगवान की क्या रजा है इसमें, क्या तो 20 करोड़ रुपए मिल जाए, लाटरी लग जाए रात को रात 20 करोड़ रुपए दे दे भगवान, सब मिले देखा कह दिया इन्होंने तो मिलेंगे हमें देखो बाहर क्या बात है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात करी, ये हमारा दिल खुश कर दिया, इधर आ जाए तुम्हारा, इधर दिल खुश हो गया आज, हम भी बाहर जाएंगे इंडिया में पता नहीं, हम भी बाहर जाएंगे मिलेंगे और बाहर पक्का जाओ। चलो जी ये तो हमारी चलती रहती है चीजें और हम ये ब्लॉग एंड करते हैं आज इधर को। हाँ तो जी ये सारे है अपनी पार्टी, तो ब्लॉग एंड करते हैं, गोयल साहब नहीं दिख रहे हैं, हाँ गोयल साहब नहीं दिख रहे, अब आगे गोयल साहब आगे। तो जी ये हम ब्लॉग एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, टिल देन और कुछ बोलना है भाई, सब्सक्राइब बोल दो यार, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और एक एक बंदे के लिए ना कमेंट कीजिए, ठीक है जी, फेवरेट कैरेक्टर के बारे में, आपके फेवरेट कैरेक्टर के बारे में कमेंट कीजिएगा कि कौन आपका फेवरेट कैरेक्टर है इस वीडियो में। चलो जी मिलते हैं आपको नई वीडियो में, टिल देन जब तक के लिए गुड बाय।